नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एनबीआई न्यूज में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवा वनडे सीरीज का आखिरी मैच रविवार को वेलिंगटन के वेस्टपैक स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें 5 साल बाद इस मैदान पर आमने सामने होंगी। पिछली बार 2014 में न्यूजीलैंड 87 रन से जीता था। भारतीय टीम इस मैदान पर 3 मैचों में से 1 मैच ही जीत सकी है, बल्कि 1 का नतीजा नहीं रहा। भारत को पिछली जीत 2003 में मिली थी। टीम इंडिया फिलहाल सीरीज में 3-1 से आगे है। इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी की वापसी हो सकती है। वे हैमस्ट्रिंग के खिंचाव के कारण तीसरा और चौथा वनडे नहीं खेल सके। उनकी जगह दिनेश कार्तिक को मौका दिया गया था, लेकिन उनका खास प्रदर्शन नहीं रहा। कार्तिक ने तीसरे वनडे में 38 रन बनाए थे, वहीं चौथे वनडे में खाता भी नहीं खोल सके। दूसरी ओर धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 3 अर्धशतक लगाने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में अर्धशतक लगाया था। दूसरे वनडे में उन्होंने 48 रन बनाए थे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की। तो प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से है। कप्तान रोहित शर्मा, शिखर धवन, शुभमन गिल, दिनेश कार्तिक, अंबाती रायडू की जगह महेंद्र सिंह धोनी को मौका मिल सकता है। केदार जाधव की जगह रविंद्र जडेजा को मौका मिल सकता है। हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, यजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज। अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग क्रिकेट के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें।